हेलो गाइस, कैसे आप? तो अच्छे तो अच्छे बन रहे हैं ना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक माइंडसेट, माइंडसेट ऑफ अ बैट्समैन। बैट्समैन का माइंडसेट कैसा होना चाहिए खेलते वक्त, क्योंकि बहुत सारे बैट्समैनों को बॉलर से भी डर लगता है। और मतलब बॉलर से तो डर होता ही है नए नए बैट्समैन को। जब भी आप नई अकेडमी ज्वाइन करें, आप सबसे ज़्यादा टाइम दें अपनी अकेडमी को, अपने कोचेज के साथ। कहीं आप अकेडमी में ही बातें कर रहे हैं, कोचेज आपको कुछ करने के लिए बोले, आप कर कुछ और रहे हैं, ये बात बहुत गलत है। तो आपको अपने कोचेज के साथ रहना है मैक्सिमम टाइम उनसे। जितना आप उनके साथ रहेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ ऐसी सीखने को मिल जाएगी, आपको बहुत सारी मॉरल वैल्यू भी सीखने को मिलेगी, आपको बहुत बहुत सारी चीज़ सिखाएंगे वो। तो पहली बात बताता हूँ मैं, क्रिकेट में एक माइंडसेट होता क्या है। बैट्समैन को जब भी कोई नया बैट्समैन बैटिंग करने जाता है ना, बिल्कुल न्यू अकेडमी जिसने ज्वाइन की हो, उसे बॉलरों का डर रहता है कि अगर मैं आउट हो जाऊँगा एक दो मैच में, वो पहले ही कम स्कोर पर आउट हो जाता है, 20-23 इतने में कम पे आउट हो जाता है। अगर वो 15 रन भी मारते हैं ना पहले मैच में, तो बहुत होंगे। तो उसे आप ज़्यादा ज़्यादा फोकस है अपने बेसिक्स पे। बेसिक्स मतलब डिफेंस, ड्राइव, कट, पुल, ये सारे आप बिल्कुल क्लासिकल शॉट मारें, थोड़ी सी भी गड़बड़ ना करें इनमें। और पहली बात, आपको अपने अंदर बिलीव रखना है, एक आपको अपना शॉट पका लेना है। अब कुछ बैट्समैन का पुल पक जाता है, जैसे हाफ पिच बॉल पड़ गई तो कंफर्म पुल मारेगा और उसमें आउट, मतलब बहुत रेयर चांस है वो उसमें आउट होगा। अब मेरा है कि मैं स्ट्रेट ड्राइव मारता हूँ, ऊपर गिरते स्ट्रेट ड्राइव मारता हूँ, कवर ड्राइव में थोड़ा कम मारता हूँ पर एक आध बारी मारता हूँ, स्ट्रेट ड्राइव तो पूरा भर के मारता हूँ जब भी बॉल मिल गई। और एक और कट मारता हूँ, कट मैंने हाल फिलहाल में सीखा, बहुत प्रैक्टिस की मैंने उसकी जब मेरे को आया। और दूसरी बात, आपको जो भी आप मैच खेले, तो अपने मैच में जो भी आपने किया हो, चाहे बैटिंग पे आप 0 पे आउट हो, चाहे आपने हाफ सेंचुरी मारी हो, चाहे सेंचुरी मारी हो, आपको अपनी एक डायरी बना लेनी है, उसमें हर चीज़ नोट डाउन करनी है। नोट डाउन करने से होगा क्या, जब भी आपको खाली बैठे हुए हैं, कुछ करने को नहीं है, आपको टाइम मिलेगा, तो आप अपनी डायरी देखिए, डायरी देख के और उसमें लिखिए आप कैसे आउट हुए हैं, नॉट आउट आए हैं, क्या कमी थी, उस कमी को सुधारिए, अपने कोचिज से पूछ के। कहीं आप कॉट बिहाइंड आउट हुए, कैसे आउट हुए वो आप देखें। जैसे आप शॉट मारो कवर ड्राइव चला गया उसमें कवर के फील्डर के हाथ में, तो अब आप अपने कोच से पूछें प्रैक्टिस मैच में कि ये क्यों हुआ, तो वो बताएंगे आपके एल्बो पूरी नहीं खुल रही, क्या हो रहा है, आपकी सारी कमी ठीक कर देंगे वो। आपको जितना हो सके अपने मोबाइल से दूर रहना, क्योंकि अकेडमी जब जाएं तो पूरा फोकस अकेडमी पे दे, चाहे घर आने के बाद, चाहे आप कुछ भी करें, और घर आने के बाद भी थोड़ा क्रिकेट को प्रैक्टिस करें। इससे होगा कि धीरे धीरे आपको शॉट पकने लग जाएंगे। और एक शॉट को प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे आपका कोई फेवरेट शॉट है, उसको अभी आपको उसको ढंग से मारने नहीं आया, तो उसको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें ताकि वो पक ही जाए, वो बॉल आपके रेडार में गिर जाए तो आप उसको बाउंड्री तक पहुंचा दें, या बिल्कुल एक क्रिकेटिंग शॉट मारे। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।